क्रिसमस मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ईस्टर के मौसम में हैं और ईस्टर के दूसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ में तीन चीज़ों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो तीनों पाठों में अनिवार्य रूप से प्रकट होती है, पश्चाताप और पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास। हम देखते हैं कि येसु एक बार फिर अपने शिष्यों को उस घोषणा पत्र के साथ दुनिया में आने के उद्देश्य की याद दिला रहे हैं, जिसे उन्होंने सभी लोगों के सामने घोषित किया था। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो और ईश्वर का राज्य निकट है, ताकि हम सब उस पर विश्वास करें और मसीह द्वारा बचाए जाएं। पहला पाठ में संत पेत्रुस ने इसराइल लोगों से संबोधित करते हुए कहते हैं, यह वही येसु है जिसे आपने क्रूस पर चढ़ाया था। अब वही येसु मृत्यु से जी उठा है और उसने अपनी मृत्यु के बारे में जो भविष्यवाणी की थी उसे पूरा किया है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या 31 में पढ़ते हैं कि यदि आप येसु पर विश्वास करते हैं तो आप और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। येसु हमें बचाना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि हम नष्ट हो जाएं। वह हमसे केवल एक ही चीज़ मांग रहा है, पश्चाताप करो और उस पर विश्वास करो। आज सुसमाचार में हम येसु अपने शिष्यों को मजबूत करने के लिए उनके सामने आने की पहल करते हुए देखते हैं, ताकि वे येसु के पुनरुत्थान के बारे में अपने डर और संदेह से बाहर आ सकें। लेकिन हम देखते हैं कि शिष्य पुनर्जीवित प्रभु पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, जो उनके सामने कुछ ही दूर पर मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ें और चमत्कार घटित हो सकते हैं, जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है और वे हमारे कारण से समझ से बाहर हो जाते हैं। इन मुद्दों को भौतिक आँखों के बजाय आस्था की आँखों से देखना होगा। भौतिक आंखें हमेशा प्रमाण और तथ्य तलाशती रहेगी। क्या कोई माँ के गर्भ में जीवन की शुरुआत की सटीक क्षण बता सकते हैं? इसी तरह येसु का पुनरुत्थान शिष्यों के लिए समझ से बाहर था, लेकिन वे येसु को छू सकते थे, महसूस कर सकते थे और यहाँ तक ही उनके साथ खा भी सकते थे। पुनर्जीवित प्रभु के अनुभव के बाद शिष्यों को यह गारंटी मिली कि उन्हीं येसु में शाश्वत जीवन मिलेगा। इस दृढ़ विश्वास ने उन्हें पश्चाताप करने और पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। आनंद जीवन केवल येसु का अनुसरण करके ही संभव है, ना कि केवल यह कहने से है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस कार्यों को प्रभु में आस्था और विश्वास की नज़र से देखें। कई बार अपने अनगढ़ ज्ञान के कारण हम पुनर्जीवित प्रभु को समझने और अनुभव करने में असफल हो जाते हैं। तो ईश्वर हमारे सभी डाउट्स को दूर करने और स्वयं को हमारे सामने प्रकट करने के लिए सही समय और स्थान प्रदान करेगा। आए हम प्रभु पर पूरा भरोसा रखकर और ईमानदारी से येसु का अनुसरण करके अपने पापमय जीवन के विनाश और धार्मिक जीवन के पुनरुत्थान के लिए काम करें। आमीन।